प्रकाश शर्मा बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय बजरंग दल का संयुक्त सचिव था। प्रकाश शर्मा उन कुछ लोगों में शामिल है जो बिना डरे अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हैं। इन्हें जो हुआ उसके लिए कोई पश्चाताप नहीं है। प्रकाश शर्मा बताते हैं कि बिल्कुल थे, क्यों नहीं थे, हम मुलजिम हैं उसमें। बजरंग दल के कार्यकर्ता न होते तो हम मुलजिम क्यों बनाए जाते। भारत के संतों ने नौजवानों को राम जानकी रथों की सुरक्षा के लिए संगठित करने के लिए बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के युवाई भारत के रूप में उसकी स्थापना हुई। कौन पीछे कौन था सर, किसने, मतलब कोई तो होगा संगठन है विश्व हिंदू परिषद और संत जी। बिल्कुल ठीक है, हम मुंबई मुलजिम उसमें बड़े बड़े कार्यकर्ता अगर नहीं होते तो हम मुलजिम क्यों बनाए जाते जी। आपके ऊपर सर क्या आरोप लगे, केस उन्होंने तो तमाम डकैती लूट पहले क्या क्या सब लगा दिया। प्रकाश शर्मा यह स्वीकार करते हैं कि वह सब किया जो अन्य कार सेवकों ने किया था, लेकिन प्रकाश शर्मा कोर्ट में लंबित मुकदमे के कारण कोई भी जानकारी नहीं देते हैं। प्रकाश शर्मा के अनुसार वो अकेले में बात कर सकते हैं, लेकिन उसे किताब में ना लिखने पर। प्रकाश शर्मा के अनुसार आप मुझसे बंद कमरे में पूछेंगे तो मैं सब सही बता दूंगा। आप कहोगे किताब लिखने जा रहा हूं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन न्यायालय में क्या गवाही आएगी उसके आधार पर मेरा क्या बयान होना चाहिए ये मैं कहूंगा। और अगर मेरा बयान आपकी पुस्तक में प्रकाशित होता है तो वो कंट्राडिक्शन होगा। कोई न्यायालय में केस लड़ा नहीं तो आप वही कहिए, आप वकील हो, मैंने कोई कत्ल किया है, आप मुझसे कमरे में पूछोगे कि आपने क्या किया, मैं आपको सही सही बता दूंगा क्या। आप कहो मैं किताब लिखने जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आप मुझसे अपेक्षा करो मैं न्यायालय में जाकर स्वीकार कर लूँ, मैंने आपने मुझे कमरे में बताया था, न्यायालय में भी जाकर बता दो कि आपने कत्ल किया है तो ये संभव नहीं। सर आपके प्रश्न से मुझे लग रहा है कि आप किताब कम लिखना चाहते हो, एक पुलिस इंक्वायरी जैसे करती हो जाकर। मैं क्या कर रहा था, अरे भाई जो सब कर रहे हो मैं कर रहा था। प्रकाश शर्मा बाबरी मस्जिद के गिराने में अपनी भूमिका के बारे में बताते हैं। प्रकाश कहते हैं कि सभी बाबरी मस्जिद को गिराने और मंदिर बनाने में समान भूमिका थी। प्रभावी रूप से सबकी भूमिका थी कि वह ढांचा साफ हो जाए और जैसा भी है अस्थायी मंदिर भी बना हो बन गया, और यही सबकी भूमिका थी। लोग नष्ट हो जाएं, इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले।